स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 13.3। द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम इज 25 सेंटीमीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वेयर। तो हमें यहाँ पे गिवन है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट मीन्स एल, एल को हम स्लांट हाइट कहते हैं, जो हमारे पास है 25 मीटर। और बेस डायमीटर हमें गिवन है, डायमीटर है 14 मीटर। तो हम यहाँ से रेडियस फाइंड कर लेंगे जो जाएगा 7 मीटर। अब उसने कहा है कि वाइट वॉशिंग करनी हमें कर्व सरफेस एरिया में, तो कर्व सरफेस एरिया होता है सी एस ए, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो यहाँ पे हम पाई की वैल्यू यूज़ करेंगे 22/7, आर 7 है और एल हमारे पास है 25, 7 से कट गया। तो ये हमारे पास आ गया, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा 550 मीटर स्क्वेयर। अब इसने कहा है कि आगे कॉस्ट फाइंड करनी है वाइट वॉशिंग की, उसका जो रेट है वो 210 रुपीज़ है 100 मीटर स्क्वेयर के लिए। तो मींस ये जो हमारे पास इसका कर्व सरफेस है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 210/100 के साथ इंटू 550, तो इसके हमें जो है वो कॉस्ट आ जाएगी। ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, और जब हम 21 और 55 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है ये हो जाएगा 1155। तो ये इसकी कॉस्ट है, कॉस्ट है वाइट वॉशिंग की, तो ये इसका आंसर है। थैंक यू।